नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे त्रिपुरा से आए हुए बहुत सारे साथी लोग हैं यहाँ पर, जो हजारों की संख्या में यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या है इनकी मांगे हम लोग जानते हैं। पहले तो अपना नाम बताइए और आप यहाँ पर किस लिए आए हैं वो बताइए। जी, मैं त्रिपुरा से आया हूँ। मेरा नाम जितेंद्र वर्मा है जी। हम लोग यहाँ पे त्रिपुरा की सिख शेड्यूल क्षेत्र का अलग राज्य की मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं जी। क्योंकि अलग राज्य आज के दिन में इतना जरूरी हो गया है कि अलग राज्य ना बने तो आने वाले कुछ सालों में हमारा वजूद ही मिट जाएगा जी। क्योंकि भारत, जब मतलब भारत 1949 को हमने भारत के साथ जोड़ा था जी, तब से हमारे वहाँ पे जो बांग्लादेश है जी, बांग्लादेश से तीनों तरफ से सटे हुए राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट में आता है त्रिपुरा राज्य, वहाँ से जो इलीगल इमिग्रेशन है, जो गैरकानूनी तरीके से घुसपैठिया होता है, उनके द्वारा हमारे राजनीतिक अधिकार, हमारा जमीन, हमारा सब कुछ कब्जा हो चुका है और आज भी उसमें चल रहा है आजकल। इसलिए हमने पिछले 1967 से ये संघर्ष हमारा चला हुआ है। ये संघर्ष जो चला हुआ है पिछले 1967 से चला है, तब हमने सिख शेड्यूल की मांग की थी। हमने सोचा तब कि सिख शेड्यूल मिलने से हमारा राजनीतिक अधिकार, हमारा जमीन, हमारा अधिकार वो सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन आज के डेट में देखा है कि सिख शेड्यूल से कुछ नहीं होता है। सिर्फ हमारे वजूद और हमारी जो आइडेंटिटी को रक्षा करने के लिए आज के दिन में नए राज्य की मांगों को लेकर, मतलब नए राज्य बनने से ही वो सब सुरक्षित हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए भारत सरकार से हम अपील करते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारी त्रिपुरा की जो शिक्षित क्षेत्र है उनका पूर्ण राज्य त्रिपुरा लेन की दर्जा दिया जाए जी। आपने बताया कि शिक्षा को लेकर भी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो शिक्षा का क्या है मतलब बुद्धो? शिक्षा का विकास तो बहुत पूरे देश में चल रहा है आज की डेट में। हाँ, शिक्षा हमारा ऐसे बात है, हम पूरा जनता को पहले हम नमस्ते देते हैं। तो हम आज 10 बजे से 3 बजे तक इधर जंतर मंत्र बैठेगा। तो हमारा भाइयों बहनों बहुत तकलीफ करके ट्रेन में आया। तो हमारा देश में ऐसे है, 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन से हमारा महारानी जी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन से एग्रीमेंट किया। ठीक उसी टाइम पे मणिपुर एंड कुछ राजवंशी वेस्ट बंगाल का, वो लोग भी 21 साल में 1949 में एग्रीमेंट किया, मर्जर किया। तो लेकिन अभी कुछ राजवंशी वेस्ट बंगाल का पूरा ख़त्म हो चुके। तो हम चाहते हैं हमारा त्रिपुरा भी, हम उस दिन प्राइम मिनिस्टर को भी बताया और होम मिनिस्ट्री भी बताया, हमारा क्या त्रिपुरा भी ऐसे ही कुछ राजवंशी का माफी हम लोग भी ख़त्म करना चाहता है क्या? लेकिन हमारा साथ गवर्नमेंट तो बीजेपी के है, तो बीजेपी लोग हमारा पहले हमारा विधानसभा चुनाव पे, हाँ असेंबली चुनाव पे हमारे साथ गठबंधन किया। तो हमारा अभी IPFT 8 MLA है और कांग्रेस वाला हमारा 8 MLA है, कांग्रेस वाला 36, हाँ बीजेपी 36 36 MLA है। तो हमारा अभी गठबंधन सरकार बनाए, IPFT एंड BJP ये दोनों मिलकर सरकार बनाए, हमारा 2 मिनिस्ट्री है। लेकिन हमारा साथ जो वादा किया था प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, तो पहले हमारा IPFT का लीडर्स एंड NCD वर्मा को हाथ पकड़ कर बोला है, सरकार हम पहले त्रिपुरा में सरकार बनने दाओ, उसके बाद हम कितनी तक आपको हम पूर्ण कर सकते हैं, हम कितने मदद कर सकते हैं, वही वादा किया मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अभी सरकार 8 महीना हो गया, सरकार 8 महीना होने के बाद अभी भी हम लोग बैठा है, वो लोग को विश्वास कर अभी खाली मैदान में बैठा है। लेकिन जितना जनता है, कम से कम हम लोग 20 STC रिजर्वेशन में हम लोग 8-9 सीट में लड़ाए, वो लोग 11 सीट में लड़ाए। लेकिन 11 सीट में हमारा जितने ST रिजर्वेशन का सीट सब ट्राइबल आदमी, हमारा जो त्रिपुरा आदमी वोट डालकर उसको जिताया, 10 सीट जिताया। हमारे से कुछ महिला भी यहाँ पर है, हम महिलाओं से पूछते हैं कि वो भी यहाँ पर किस लिए आई हैं। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? आप बहुत सारी महिला बहुत बड़ी संख्या में आए हुए हैं, तो क्या है वो? हम लोग त्रिपुरा से आए हूँ क्योंकि त्रिपुरा से त्रिपुरा लैंड मांग रहा हूँ, सेपरेट स्टेट नया राज्य। त्रिपुरा में एक हिस्ट्री था, त्रिपुरा में एक हिस्ट्री था 184 + 286
महाराजा था, राजा था, अभी भी हमारा महाराजा है जी। तो महाराजा कंचन प्रभा देवी, आपकी क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं वो बताइए, है ना? ठीक है, हम लोग त्रिपुरा लैंड मांग रहा है जी। क्योंकि हमारा जनजाति भूमिपुत्र सन ऑफ द सॉयल मेजोरिटी था, अभी माइनॉरिटी हो गया, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी होने जा रहा है, इसलिए हम लोग अलग राज्य नया स्टेट त्रिपुरा लैंड मांग रहा है। आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होंगी या सरकार आपकी मांगों को नहीं मानते हैं तो आप क्या करेंगे, आगामी योजना क्या रहेगी आपकी? हम लोग त्रिपुरा का जो हम जनजाति है जी, हम लोग का मूवमेंट ए है, त्रिपुरा लैंड हम लोग चाहिए, बिना त्रिपुरा लैंड से हम लोग तो सब एबुलिश हो जाऊंगा, तो इसलिए हम लोग डिमांड किया त्रिपुरा लैंड, तो इस अगर त्रिपुरा लैंड नहीं होगा तो हम लोग एबुलिश हो जाएगा, इसलिए हम सोचूंगा जो अगला जो डिसीजन है मूवमेंट, वो मूवमेंट इसी तरह करूँगा दिल्ली त्रिपुरा जाना पड़े, क्योंकि दिल्ली त्रिपुरा से बहुत दूर है जी। दिल्ली उधर जाके हम लोग को बोलना पड़ेगा, हाँ आप लोग को त्रिपुरा लैंड हम लोग दे रहा हूँ, इसलिए हम लोग ऐसा करूँगा, हम लोग जो पीसफुल मूवमेंट, डेमोक्रेटिक पीसफुल मूवमेंट वो करने के लिए हम लोग तैयार हो गया। कहेंगे पहले हमें विकसित कीजिए, उसके बाद विकास तो होते रहेंगे, जब तक ये दुनिया चलता रहेगा तब तक विकास होते रहेंगे, विकास का कोई सीमा नहीं होता है। लेकिन हमारा जो जनजाति जो मूल निवासी है त्रिपुरी जाति करके, उसको तो विकसित होने दीजिए, क्योंकि ये जो इतिहास बता रहे हैं हमारे साथी जो है, 184 राजा अब राज अभिषेक हुआ है, दो राज्य के बारे में बोला, उनका राज अभिषेक नहीं हो पाया, क्योंकि इस कारण ही नहीं हो पाया, उनके राजा होने के ऐसे मौके आया थे तब हमारा जो राजतंत्र चलते थे जिन राज्य, वो भारत के साथ जुड़ गया था, तभी हमने सोचा था कि आज़ाद भारत के साथ जुड़कर हम भी आबाद हो पाएंगे, लेकिन 70 साल गुजारने के बाद देखा गया हम लोग आबाद नहीं बल्कि बर्बाद हो रहा है। इसलिए इसका जो जिम्मेदार है वो देश की सरकार है, और देश की सरकार कोई भी हो जो चलाते हैं, उनके प्रति हमारा यही निवेदन है, यही अपील है कि हमारी तरफ ध्यान दीजिए, और हम आज जीने की इच्छा से ही इतनी दूर से अपना सब कुछ छोड़ के, मतलब हम लोग यहाँ दिल्ली पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी मशक्कत करने का पड़ता है, उसके बावजूद भी हम लोग दिल्ली हर साल आते रहे, इसलिए कि दिल्ली हमें कभी ना कभी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, हमारे मांगे नहीं सुनी जा रही है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारी मांगे सुनिए, सिर्फ देश का सरकार नहीं पूरी देश के लोग ही सुनिए, कि हमें जो कमज़ोर लोग हैं उसके साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी भारतीय हैं, और यही सोच लेकर आप लोगों की सहायता से हम लोग सरकार की कानों तक हमारी मांगों को पहुंचाना चाहती है, क्योंकि आजकल तो शीतकालीन जो सदन चल रहे हैं, इस सदन में हमारी जो मांगों को लाया जाए और पारित किया जाए, इसमें बहस करने का जो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अलग राज्य ना बने तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुछ ही सालों में हमारा जो जनसंख्या है, हमारा जो वजूद है वो मिटने जा रहा है, और मैं और एक यही भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे बुजुर्ग साथी ने बोला है कि पिछले त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ की हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की स्वास्थ्य मंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने बोला है कि आप लोग विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा में हमारे साथ सहयोगी बन के लड़िए, और आपकी जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए हम भी आपकी सहयोगी बनेंगे, और हम लोग यही कहते हैं आपसे, हमने कर दिखाया कि त्रिपुरा लैंड की मांगों को लेकर पिछले 25 साल जो राज करते थे CPM त्रिपुरा में, आज उसी IPFT की सहयोगी से आप लोग वहाँ पर त्रिपुरा पर सरकार बना पाई है, और आपकी द्वारा ही त्रिपुरा लैंड बनना चाहिए, और यही जो डिमांड है आप बिल के रूप में प्रस्ताव लाइए, हमारी सिर्फ यही निवेदन है और कुछ नहीं है बस, और ये बन जाने से हम सब खुश होंगे, और देश के साथ देश की हर कदम पर हम भी कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, चाहे दुश्मन देशों से लड़ना हो, चाहे भारत की जयकार करना हो, तभी बोलेंगे हम सब भारत माता की, त्रिपुरा लैंड की, त्रिपुरा लैंड हमारा है, त्रिपुरा लैंड हमारा है, भारत हमारा है, हम भारत की नागरिक है, भारत की सरकार हमारी मांगों को पूरा करना ही पड़ेगा, बस धन्यवाद। त्रिपुरा लैंड से यहाँ पर लोग आए हुए, उन्होंने अपनी कहा कि हमारी मांगों को सरकार सुने नहीं, हमें आने में बहुत परेशानी होती है।